टू फैमिली, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नोवा का हेयर ड्रायर। तो आज ही मैंने ऑर्डर किया हुआ, मतलब ऑर्डर किया हुआ था, तो आज ही घर पे आया है। तो मैंने सोचा मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो ये मैंने खोल लिया, पहले ही देख लिया है, लेकिन मैं एक बार आपके सामने दोबारा सीखूँगी। और ये इसी बॉक्स में ऐसे ही पैकिंग में आया था, इसी तरह ये इसके साथ बिल आया है। और ये यहाँ से ऐसे पैक था, मैंने यहाँ से खोला है। तो हम इसके साथ अब देखते हैं क्या क्या एसेसरीज आई हैं और अंदर से ये कहता है, मतलब मैंने देख लिया है ऐसा, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तो पहले हम इसमें देखते हैं क्या क्या एक्सेसरीज आई हैं। एक ही इसमें फाउल शेप में है, ये शायद कर्ली बालों के लिए होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कहीं से कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। और दो इसके साथ ये वाले आए हैं, और आई थिंक ये दोनों मेरे को सेम ही लग रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये देखो बस डिज़ाइन का बात है, साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क होगा, उन्नीस बीस, यहाँ से देख सकते हो आप सेम है। एक इसमें ये वाला आया है फोम वाला, और ये है हेयर ड्रायर, और ये है 18 वाट का, और इसका मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है। तो इसका मॉडल नंबर है NHP 8220, आप यहाँ देख सकते हो, ये मॉडल नंबर है इसका। और जैसे कि आप ये हेयर ड्रायर देख सकते हो, नोवा का, इस पर लिखा भी हुआ है नोवा, और कहीं से कुछ स्क्रैचेस नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल फिनिशिंग है एकदम साफ। इसमें पीछे ये जाली भी लगाई हुई है जिससे कि कोई बाल इसमें ना फंसे। और इसके साथ एक पीछे का ये पैक हो रहा है, कहाँ रख दिया मैंने, ये एक एक्स्ट्रा आया है इसके साथ, ये इसमें वैसे दिखाया नहीं गया था पर ये आया है वहाँ से। तो अगर ये आपका एक खो ज़्यादा कुछ हो जाती है इसमें प्रॉब्लम, तो आप चेंज करके ये वाला लगा सकते हो। और इसके वायर की बात की जाए तो इसकी वायर भी मुझे अच्छी खासी लंबी दिख रही है, नहीं तो कई ड्रायरों में काफ़ी छोटी होती है जिससे कि हमें प्रॉब्लम होती है, फिर हमें बिल्कुल बोर्ड के पास जाके चिपक के खड़ा होना पड़ता है। और ये यहाँ पे इसके ये बटन दिए हुए हैं दो, ये इसकी स्पीड का है, और ये कूल, ऊपर से करोगे तो आप कूल आती है उसमें, और बीच में करोगे तो नॉर्मल हॉट आएगी, और फिर इस बिल्कुल नीचे करते हो तो ज़्यादा हॉट आएगी। और जैसे कि मैंने उसमें देखा था, चेक किया था जहाँ से ये प्रोडक्ट लिया, तो उसमें ये कूल का दिखाया हुआ था, जब जैसे ड्रायर हीट करने लग जाता है, गर्म हो जाता है, तो इसको कूल करने के लिए इस बटन को दबाया जाता है। बाकी मैं आपको ऑन भी करके दिखा देती हूँ। तो गाइस ये रहा ऑन का बटन, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये वन स्पीड पे है। अब ये इसकी सेकंड स्पीड है, पहले से तेज है। और गाइस ये जो है, ये मैंने पहले बताया था आपको कि ये कूल का है, ऊपर वाला इसमें कूल नहीं चाहिए, और ये जब मैं बीच में करूँगी तो इसमें नॉर्मल ही चाहिएगी, और बिल्कुल यहाँ पर देखती हूँ और थोड़ी तेज आएगी, सेकंड नंबर की स्पीड है, वन नंबर की। आप इसके बटन पे देखोगे, बटन पे लिखा हुआ, आपको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो रेड बटन बढ़ना हुआ है, ये क्या कहते हैं, जैसे हीट करने लगता है ड्रायर, हम काफ़ी देर चलाते हैं, जैसे पार्लर वगैरह में काफ़ी देर तक यूज़ होता है, तो इसको कूल करने के लिए होता है ये बटन। बाकी मुझे ये नहीं पता ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका यूज़ अभी नहीं हुआ है, तो ये बात है। बाकी ये प्रोडक्ट अच्छा लगा मुझे, अगर आपको परचेज करना है तो मैंने तो ये फ्लिपकार्ट से किया है, ये देखो मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ से एक बिल इसका ये बाहर लग के आया था, और ये एक इसके अंदर ऐसे आता है बिल, ये देख सकते हो आप।
और ये मेरे को ऑफर चल रहा था, डिस्काउंट पे मिली है, तो ये मेरे को पड़ी थी 1100 की, 1100 रुपये की ये मेरे को पड़ी है, ये देखो फ्लिपकार्ट से। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है, तो ये आप ले सकते हो। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे कुछ मेरी फ्रेंड्स ने बोला था कि कुछ प्रोडक्ट वगैरह पे भी वीडियो बना के डाल, तो मैंने सोचा इस चीज़ पे भी स्टार्ट करती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। तो तब तक के लिए बाय।